प्यारे बुज़ुर्गों माताओं भाई और बहनों जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के लिखे हुए वचनों सुनने का मौका मिलता है तो रूहानीत के रास्ते की गहराइयों तक वो हमें ले जाते हैं पोट्री एक ऐसा फॉर्म है जिसमें के दो लाइनों में ही एक ऐसा दृश्य खींचा जाता है जिसके ज़रिए कि बहुत आसानी से बहुत कुछ हमारी समझ में आ जाता है जैसे इंग्लिश में एक मुहावरा है कि अ पेंटिंग इज़ वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स कि अगर एक कोई पेंटिंग को हम देखें तो उसमें इतना कुछ समझ में आ जाता है जितना कि शायद हज़ार लफ्ज़ों के ज़रिए भी ना समझ में आए और जब हम पोट्री को या कविता को पढ़ते हैं तो दो लाइनों में ही कुछ न कुछ ऐसी इमेज एक ऐसा दृश्य हमारे सामने रखा जाता है जिसके ज़रिए पेंटिंग से भी बहुत ज़्यादा हमें समझ में आता है और जब जब हम संत सिंह जी महाराज के लिखे हुए शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके लफ्ज़ हम ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हों उस पर हमें वो जो समझाना चाहते हैं वो समझ में आना शुरू हो जाता है अगर हम कुछ ऐसे समय से जा रहे हों जो कि हमारे लिए सही नहीं है तो उनके लफ्ज़ हमें समझा देंगे कि क्या हमारे लिए सही होगा अगर हम रूहानियत के रास्ते के पहले कदम पर हैं तो शायद हमारी समझ में वो चीज़ें आएंगी जिनके ज़रिए हम आगे बढ़ पाएँ अगर हम रूहानियत के रास्ते पर बढ़ चुके हैं तो हमारी समझ और गहरी होती चली जाएगी जिसके ज़रिए हमारे लगन प्रभु को पाने के लिए और बढ़ता चला जाए तो जब जब हमें मौके मिलते हैं ऐसे महापुरुषों के शब्द समझने के तो उनके ज़रिए हम देखते हैं कि हम अध्यात्म के रास्ते पर तेज़ी से बढ़ पाते हैं हिस्ट्री की ओर देखें तो कई संत महापुरुष धरती पर आए हैं अलग अलग मौक़ों पर आए अलग अलग फेथ में रिलीजनस में आए धर्मों में आए अलग अलग भाषाओं में उन्होंने समझाया कि ज़िंदगी का मकसद क्या है और चंद संत महापुरुष रहे हैं जो कि पोट्री के, के ज़रिए हमें अध्यात्म के रास्ते की जानकारी दे गए हैं चंद लफ्ज़ों में ही बहुत कुछ वो बहुत जल्दी हमारे जहन में हमारे अंदर पहुंचा देते हैं तो आज मैं संत दर्शन सिंह जी महाराज का एक शेयर लेना चाहूँगा जिसके ज़रिए वो हमें समझा रहे हैं कि इस धरती पर जिस पर हम जी रहे हैं इसमें हजारों लाखों लोग रहते हैं वो लोग जो अलग अलग चीज़ों में लगे हुए हैं वो लोग जो कोई एक काम कर रहा है कोई दूसरा काम कर रहा है कोई तीसरा काम कर रहा है हर एक अपनी अपनी ज़िंदगी को सफ़ल करने में लगा है जो जो उसे लगता है कि उसे करना चाहिए ज़िंदगी को सफ़ल करने के लिए और हम जब अपनी मंजिल की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई तकलीफ़ें आनी शुरू हो जाती हैं जब तकलीफ़ें आती हैं तो फिर हम मदद किससे लें तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हज़ार दिल हैं धड़कते हुए ज़माने में कि हजारों लोग इस धरती पर जी रहे हैं कि हज़ार दिल हैं धड़कते हुए ज़माने में मगर वो दिल कि जो दर्द बशर का मैरम हो वो कह रहे हैं हज़ारों लोग यहाँ रहते हैं बट मगर वो दिल के जो दर्द बशर का महरम हो कि वो कौन सा इंसान है वो कौन सा दिल है जो के और इंसानों के दर्द को सही कर दे को जाने को पहचाने उनके दर्द में हिस्सा ले उनके दर्द को दूर कर दे तो सर दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम सब की ज़िंदगी में दुख दर्द आता रहता है अ पार्ट ऑफ ले हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही तो हमें उससे दुख दर्द मिलना शुरू हो जाता है और ये दुख दर्द हमारी ज़िंदगी में ज़रूर रहेगा तो दुख दर्द को हटाने की हम ज़रूर कोशिश करते हैं लेकिन जब हमारी कोशिश के बावजूद भी ज़िंदगी में हलचल हो तो कहाँ से हम सुख चैन पाए कौन है जो करुणा से भरपूर है जो कंपैशनेट है जो प्रेम से भरपूर है जो हमें अपना कंधा देगा जब हम तकलीफ़ में होंगे जो हमें निकालेगा जब हम दलदल में फंस जाएंगे जो हमें रास्ता दिखाएगा जब हमारी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा होगा तो संदर्शन सिंह जी महाराज ये सवाल हम सबके सामने रख रहे हैं कि हम जाने कि धरती पर लाखों करोड़ों लोग जी रहे हैं हर एक अपनी अपनी समझ के लिहाज से अपने अपने कर्मों के लिहाज से अपनी अपनी मुश्किलों को झेलने की कोशिश कर रहा है तो जिसके पास खुद मुश्किलों का भंडार होगा वो हमें मदद कैसे करेगा वो तो पहले अपने आप को मदद करने की कोशिश करेगा और उसकी मुश्किलें अगर ख़त्म ही नहीं हो रही तो फिर हमारी मुश्किलें कौन ले पाएगा और जब संत महापुरुषों के वचनों को हम समझने के लिए तैयार हो जाते हैं जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं महापुरुष जितने भी हैं उनकी ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि संत महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं तो वो यही चाहते हैं कि हम सबका दुख दर्द दूर हो वो अपने प्रेम के ज़रिए वो प्रेम जो उन्होंने प्रभु से मिलने में पाया है वो प्रेम जो के प्रभु के प्रेम की एक रिफ़्लेक्शन है एक छाया है उस प्रेम को हम तक पहुंचाते हैं वो जानते हैं कि हम सब कर्मों से लदे हुए हैं और वो जानते हैं कि प्रेम के जरिए ही इंसान जो ज़िंदगी का मकसद है जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है उस मकसद को पूरा कर पाएगा तो जो प्रभु का प्रेम है जो उनके अंदर बसा हुआ है क्योंकि वो पिता परमेश्वर से एक में एक हैं उस प्रेम के कारण वो हमारे दुखों को हरण कर लेते हैं उसमें मदद करते हैं कई एग्ज़ाम्पल्स हम सब ने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे हम में से कई किस्मत हैं जिन्हें संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल दयालपुर दर्शन सिंह जी महाराज के शारीरिक रूप में दर्शन हुए और कई बार हम अपनी मुश्किलें लेके उनके पास गए और बहुत से लोगों को ये अनुभव हुआ है शायद आप में से भी कईयों को हुआ हो कि अगर कोई तकलीफ़ आपको है आपके किसी रिश्तेदार को है और हमने वो इन दोनों महापुरुषों को बताई हो हमें मौका मिला हो उनके सामने वो दुख दर रखने का और हर समय वो अपने सदगुरु की ओर ध्यान देकर ही कहा करते थे कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की दया में राह पर हो कि हजूर करेंगे सब ठीक हो और थोड़े दिनों में हम देखते थे कि वो मुश्किल टल जाती थी कई वाक्य ऐसे भी हैं लोग अपने एक्स लेके आते थे कि अंदर ये खराबी होगी वो खराबी होगी और फिर चंद दिनों में ऐसी चीज़ें ठीक भी हो जाती थी कई वाक्य अलग अलग लोगों के अलग अलग वाक्य होते थे कि किसी किस्म की भी मुश्किल हो चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो रिलेशनशिप्स की हो इमोशनल हो चाहे कोई फाइनेंशियल ट्रबल हो के जिसमें कि हमें कोई दुख दर्द पैसों की तरफ से आ रहा हो उसकी बातचीत करने के बाद ही हमारे दुख दर्द दूर हो जाते थे तो ये कौन है जो कि हमें ऐसी मदद कर सकता है वही यहाँ दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं अब ऐसे महापुरुष हमें मदद क्यों करते हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें वो चाहते हैं कि हम सब अनुभव करें कि हम सब पिता परमेश्वर की ही संतान हैं, वो चाहते हैं कि हम अपना ध्यान इस माया की दुनिया से हटाएं और अंदरूनी दुनिया की ओर करें वो चाहते हैं कि हमें प्रभु कि जो दो जाति रूप हैं ज्योति और श्रुति लाइट एंड साउंड उसका हमें अनुभव हो वो चाहते हैं हम अभ्यास करें हम मन को शांत करें शरीर को शांत करें और हम जो हमारे अंदर शब्द चल रहा है जिसके ऊपर सारी सृष्टि की बुनियाद है उस शब्द के साथ हम जुड़ पाए क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम सब जो इस मानव चोले में आए हैं हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं और हम सब अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवा सकते हैं उन्हें मालूम है कि जितने भी जीव जी रहे हैं और चौरासी लाख जिया जून हैं हर एक को जान आत्मा दे रही है और बड़े भागों से ही हमें मौका मिला है चौरासी लाख जिया जून से छुटकारा पाने का हमारी आत्मा जो भटक रही है कभी एक योनि में जाती है कभी दूसरी में जाती है कभी तीसरी में जाती है उसे ये मानव चोला मिला है मौका मिला है कि वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाए और मंजिल है अपने आप को प्रभु में लीन करना हमारा असली रूप शारीरिक नहीं आत्मिक है वो आत्मा जो शरीर को जान दे रही है वो आत्मा जब तक इस शरीर में रहेगी ये शरीर काम करेगा जैसे वो आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है तो हम कहते हैं इस इंसान की मौत हो गई मगर जीते जी इंसान अपने आप को शरीर के ऊपर उठा सकता है वो जानते हैं कि अंदर की यात्रा में हम जा सकते हैं उनका अनुभव करके वापस शरीर में आ सकते हैं लेकिन एक बारी जब मौत हो गई जब आत्मा ने शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ दिया तो फिर कोई मौका नहीं है उसके पास इस शरीर में वापस आने का मगर जब हम अभ्यास करते हैं तो फिर हम इस शरीर से ऊपर उठ पाते हैं अंदर जब शब के साथ जुड़ते हैं तो अंदर की दुनिया जो प्रेम की दुनिया है जो ज्योति की दुनिया है जहाँ पे रोशनी रोशनी है जहाँ पे अंधेरा है ही नहीं उस दुनिया में हम अपने आप को पा सकते हैं और हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए दिखने शुरू हो जाएंगे तो वो जानते हैं कि और किसी योनि में हमारी आत्मा को ये मौका नहीं मिलता है क्योंकि उनके अंदर प्रभु का प्रेम है वो हर एक जीव से प्रेम करते हैं चाहे वो इंसानी रूप में हो चाहे किसी और रूप में हो इसीलिए हमें समझाया जाता है कि हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं किसी भी जीव की जान ना लें प्रभु हर एक जीव को जान देता है प्रभु ही कितने सांस उसने लेने हैं कितना उसका समय है वो नियुक्त करता है हम उस सिस्टम में अपना को वादा न डालें हम ऐसी ज़िंदगी जिए जिसमें सब्जियां फल गेहूं जो प्रभु ने इस धरती पर उगाई हुई हैं उनके ज़रिए इस शरीर को हम ताकत दें इसको नारिश करें इसको तंदुरुस्त करें और फिर हम ये जाने कि हर एक जीव में जो आत्मा है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है वो चाहते हैं कि इसका अनुभव हमें हो और इसीलिए संत महापुरुष भजन अभ्यास करने को कहा करते हैं उन्हें मालूम है कि जब एक बार हमने शब्द को अपने अंदर पा लिया उसके साथ जुड़ गए तो जो मस्ती जो प्रेम जो आनंद हमें मिलेगा वो इतना ज़्यादा है कि हम बार 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 उस शब्द के साथ जुड़ना चाहेंगे तो इसीलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि हम अपना ध्यान अंदर की दुनिया की ओर करें हम भजन अभ्यास करें ताकि पिता परमेश्वर जिनके हम हिस्से हैं उनको हम जान लें पहचान लें उनसे हम एक में हो जाए प्रभु को पाने का रास्ता बाहर की दुनिया में कहीं खोज करने का रास्ता नहीं है पिता परमेश्वर हम सबके अंग संग हैं प्रभु को पाने का रास्ता अंदर की दुनिया में बढ़ने का रास्ता है और प्रभु हम सबको ज़रूर मिल सकते हैं देखना ये है कि लगन प्रभु को पाने की कितनी है हमारे अंदर देखना ये है कि इस शरीर को पाकर क्या हम अपना समय सही चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं देखना ये है कि सब कुछ होते हुए क्या हम उससे फ़ायदा उठा पाएंगे कि नहीं बार 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 महापुर जब भी इस धरती पर आए हैं उन्होंने हमें यही समझाया है कि हम असलियत को जाने अंदर की दुनिया में बढ़ें प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें अपने कदम तेज़ी से पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाते चले जाएं। जब ऐसी ज़िंदगी हम जीते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारा ध्यान बाहर की चीज़ों में नहीं अंदर की खुशियों में चला जाता है और जो खुशी जो प्रेम जो आनंद हमें अंदर की दुनिया से मिलता है वो इतना ज़्यादा है कि वो फिर सिर्फ बाहर की चीज़ों तक ही नहीं रहता या उस समय तक ही नहीं रहता जिस समय तक हम अभ्यास कर रहे हैं उसका जो इफेक्ट है वो हमारे साथ कई घंटों तक कई दिनों तक रहता है और उसकी मस्ती में जब हम जीते हैं तो फिर हम औरों के मददगार होंगे क्योंकि हमारे अंदर से ये हमें समझ आ गई है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं हम किसी से अलग नहीं हम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए यहाँ आए हैं और उस समय हम देखते हैं कि सारी चीज़ें हमारे लिए शांत होनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि हम प्रभु की रज़ा में जीना शुरू कर देते हैं औरों के दुख दर्द को हम अपना समझते हैं उन्हें मदद करते हैं ताकि उनका दुख दर्द दूर हो उनकी ज़िंदगी में जो हलचल हो रही है वो कम हो उनका ध्यान अंदर की ओर टिके और वो तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले हैं हम सब प्रभु को जान सकते हैं पहचान सकते हैं और संदर्शन सिंह जी महाराज हमें इस शेर के ज़रिए कि हज़ार दिल हैं धड़कते हुए ज़माने में मगर वो दिल कि जो दर्दे बशर का महरम हो उसके जरिए हमें समझा रहे हैं कि एक संत महापुरुष ही हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं उनकी हमें दृष्टि चाहिए उनका प्रेम चाहिए उनकी कमाई का कुछ हिस्सा हमें जब मिल जाए क्योंकि नामदान के समय मिलता है तो फिर हम भी अंधेरी रात को छोड़कर जगमग जगमग दुनिया में पहुंच सकते हैं हम सब इस धरती पर एक ही मकसद से भेजे गए हैं और वह है अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना अब उस मकसद को हमने पाना है मकसद सबका एक ही है लेकिन हम सबके कर्म अलग अलग हैं महापुझ बार 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 समझा गए हैं कि इसी जिंदगी में हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं कितनी लगन हम में है कितना प्रेम हम अपने अंदर प्रभु के लिए जागृत करते हैं कितना हम अभ्यास करते हैं ताकि हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें उस पर निर्भर है कि हमारी तरक्की पिता परमेश्वर की ओर कैसे होगी आध्यात्मिक तरक्की अभ्यास कर कर ही हमें मिलती है तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठेगा अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा ये जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधी सामने फोकस हों जैसे आठ दस इंच आपके सामने फोकस हैं आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप स्मरण कीजिएगा जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा मन ही मन करना है ऊंचा नहीं दोहराना जो कुछ आपके सामने दिखता है उसमें बड़े ध्यान से देखिएगा। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली संचरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुरशन दर्शन सिंह जी महाराज चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर ये माफ हमें दें हम अपनी मंजिल की और तेज़ी से बढ़ें और हमारी तरक्की प्रभु को पाने की बहुत ही शीघ्र हमारी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाए थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएँ आप सबके साथ हैं कर दीजिए जी प्लीज़ रिवॉफ